Assalamu alaikum viewers, my name is Rizwan Cheema. I welcome back with another video of Lahore Smart City, episode 27, Walking Tail series. इस series में आपको मैं इस video में specifically आपको Lahore Smart City में जो C1 road का ending point है, जहाँ से शायद future में junction बने Lahore Eastern bypass का ये area. अब इस area के साथ society की जो development है, उस हवाले से बताऊँगा. Last time जब मैंने इस area की video record की थी, about a month ago, तो उस वक्त site पे यहाँ पे कुछ part था road का जो carpeting के लिए रहता था, और कुछ part था footpath के लिए रहता था. और इस साइड पे कुछ विलाजी कंस्ट्रक्शन काम होता, और अगर आपको याद हो तो यहाँ पे कुछ वाटर सप्लाई के जो काम है वो हो रहा था उस वक्त. लेकिन आज की डेट में साइड पे देखते हैं आप, तो ये सारा काम जो है मुकम्मल हो चुका है, फुटपाथ बन चुकी हैं. इनफैक्ट जो मेजर पार्ट है उस पर कारपेटिंग का काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है. अब इस पॉइंट से आपको लाहौर ईस्टर्न बाईपास का क्लियर एक्सेस मिलता है, क्लियर पॉइंट व्यू, क्लियर व्यू मिलता है इनफैक्ट. और अगर आप ईस्टर्न बाईपास पर खड़े होकर देखते हैं तो आपको यही पॉइंट सबसे पहले नजर आता है. इस रोड की अगर बात करें तो इस रोड का नाम है C1 रोड. ये नॉर्थ साइड से कनेक्ट होती है लाहौर ईस्टर्न बाईपास. अगर हम बात करें इसकी ईस्ट साइड पे, तो ये विलास की बैक साइड पे जो स्ट्रीट से आगे जीटी रोड रेलवे लाइन की साइड जाती है, उसके साथ यहाँ पे जीटी रोड है जहाँ पे एक्सेस पॉइंट बनेगा इसका. वेस्ट साइड की बात करें तो एंट्रेंस पॉइंट जिस रोड से बनेगा ये रोड है, यहाँ पे जाके आगे C1 रोड से कनेक्टिविटी उसकी. और ये बनती है इसकी साउथ साइड, और साउथ साइड पे इसकी डेवलपमेंट जो है वो कुछ रॉ लैंड की डेवलपमेंट हो रही है, आगे कुछ मशीनरी काम कर रही है. और अगर मैं जूम कर सकूं ज़्यादा, वो पीछे आपको जो कंक्रीट मिक्सिंग कैलिन प्लांट्स हैं 3, उस तरफ लगे नजर आएंगे HRL के. उसी साइड पे HRL के मेन ऑफिस भी हैं जो बने हुए हैं, जो साइड ऑफिस कहलाते हैं. और कुछ साइड ऑफिस यहाँ भी बने हुए हैं. जैसे आप कैपिटल स्मार्ट की साइड पर जाते हैं तो एक मोटरवे जंक्शन के साथ पॉइंट नंबर 332 के साथ जो एक ब्रिज है, उस ब्रिज के साथ मंदवाल ब्रिज के साथ सोसाइटी के अपने ऑफिसेज हैं, जो जहाँ पे मेन जो स्टाफ है वो बैठता है. इस तरह साइड लाहौर स्मार्ट सिटी के ऑफिसेज यहाँ पे हैं, और ये जो बाकी साइड ऑफिसेज होते हैं जहाँ पे साइड इंजीनियर्स होते हैं वो ये वाले ऑफिसेज हैं. ये आपको लाहौर स्मार्ट सिटी का 360 व्यू जो मिलता है जिस कैमरा से, उसका टावर लगा हुआ है. अब वेबसाइट पर जाके इसका 360 व्यू या लाइव डेवलपमेंट, इसकी लाइव स्टेटस किस वक्त देख सकते हैं, क्योंकि स्मार्ट सोसाइटी है तो उन्होंने सारे तरीके स्मार्ट ही रखे हुए हैं. क्या आप वेबसाइट पे दुनिया में कहीं बैठे हैं, लाहौर स्मार्ट की वेबसाइट पे जाएं या कैपिटल स्मार्ट की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे साइट का लाइव व्यू देखें, तो आपको 360 व्यू इस टावर से, इस टावर पे कैमरा लगे हुए हैं वहाँ से आपको 360 व्यू इस टावर का मिलता है. और ये जहाँ से इस टॉपिक की वीडियो स्टार्ट हुई थी, लाहौर ईस्टर्न बाईपास का ये वाला एरिया, इसकी डेवलपमेंट 100% कम्प्लीट है. तो ए ब्लॉक की डेवलपमेंट 110% कम्प्लीट है, तमाम की तमाम चीज़ें कम्प्लीट है. इनफैक्ट जो जितनी स्ट्रीट्स हैं, जितने रोड्स हैं, जितनी स्ट्रीट लाइट्स हैं, उन पे एक दो स्ट्रीट को छोड़ के जिन पे फुटपाथ अभी बनने हैं, यानी फुटपाथ की वो अलाइनमेंट हुई हुई है, बस टफ टाइल्स का प्लेसमेंट होनी है वहाँ पे, बाकी तमाम की तमाम चीज़ें पूरी साइड पे वो ब्लॉक ए में तमाम की तमाम मौजूद हैं. सोसाइटी ने इसकी कमिटमेंट की थी बाय द एंड ऑफ मार्च 2022 के आप इसमें पोजेशन ले सकते हैं. बट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप सुबह सोसाइटी के ऑफिस में जाते हैं लाहौर स्मार्ट सिटी के, तो आप सुबह ही जाकर इसका पोजेशन अप्लाई कर सकते हैं. इट इज़ जस्ट द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, और अभी मार्च में तकरीबन 28 दिन 20 दिन रहते हैं, 20-22 दिन रहते हैं, तो आप उसमें जाके तब तक आप अप्लाई करना चाहें पोजेशन, तो आप डेफिनेटली अपनी मर्जी से कर सकते हैं. सोसाइटी के डेवलपमेंट की पेस ये आपके सामने है कि विलास अपनी बेस पे हैं, मस्जिद अभी ग्राउंड्स निकल चुके, 3-3 फुट बन चुकी है, पार्क रेडी है, स्ट्रीट लाइट्स रेडी हैं, स्ट्रीट्स रेडी हैं, फुटपाथ रेडी है, जितना आपका अंडरग्राउंड काम होता है जिसमें सीवरेज आती है रेडी है, वाटर सप्लाई ओवरहेड वाटर टैंक, ये देखें वाटर टैंक बना हुआ है, और वाटर सप्लाई भी स्ट्रीट्स के लिए तमाम के लिए मौजूद है. तो जितनी बेसिक फैसिलिटीज होती हैं लिविंग के लिए रिक्वायर्ड, वो तमाम की तमाम फैसिलिटीज लाहौर स्मार्ट सिटी साइड ब्लॉक ए में मौजूद हैं. और जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, इस एरिया को लॉन्च हुए सिर्फ 7 महीने हुए हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं अगले 3-4 साल में लाहौर स्मार्ट सिटी का प्रोडक्ट कहाँ स्टैंड करेगा. तो मैंने जब स्टार्ट में वीडियोस बनाई थी लाहौर स्मार्ट सिटी के शुरू में, तो मैंने इसको रिलेट किया था विद DHA. ये लाहौर के बिल्कुल दूसरे एंड पे DHA है, और लाहौर के एंट्रेंस एंड पे जो, अगर आप इस्लामाबाद से आ रहे हैं, फैसलाबाद से आ रहे हैं, सियालकोट से आ रहे हैं, तो एंट्रेंस एंड पे जो है या एंट्रेंस पॉइंट पे जो है वो लाहौर स्मार्ट सिटी है. आज आप DHA के प्लॉट लिख के रख लें, आज की डेट लिख के रख लें, आज DHA के रेट्स लिख के रख लें, किराल के 10 मरला के, 5 मरला के, और आज लाहौर स्मार्ट सिटी के रखें, विद द पैसिव टाइम 5-6 साल बाद जब कंपैरिजन करेंगे, तो आपको लाहौर स्मार्ट सिटी का जो रिटर्न इन्वेस्टमेंट रेशियो है, अभी भी लोगों ने जिन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट पे किया सिर्फ 10% 20% या विद 1 इंस्टॉलमेंट 2 इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल अमाउंट पे आज की डेट में 100% रिटर्न इन्वेस्टमेंट उनको मिल रहा है. आज की डेट में यानी 7 महीने बाद भी उनको, 7-8 महीने बाद प्रिंसिपल अमाउंट पे 100% उनको रिटर्न मिल रहा है, यानी 100 के साथ 100 वापस मिल रहा है. इमेजिन करें जब 5-6 साल गुजर जाएंगे, तो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट लेट्स से 5 मिलियन 6 मिलियन 7 मिलियन जितनी भी जमा है,
एटलीस्ट इसका आपको 3 times या 4 times रिटर्न इन्वेस्टमेंट मिलेगा। ये आप वीडियो भी रिकॉर्ड पे रख लें, ये डेट भी लिख के रख लें, और ये मैं वीडियो में पब्लिकली चैलेंज अगर कर रहा हूँ किसी बात पे, तो लाहौर स्मार्ट सिटी के प्रीवियस रिजल्ट्स को देखते हुए कर रहा हूँ कि आपने, हमने जिस भी कैटेगरी में जिस भी मेंबर की इन्वेस्टमेंट करवाई है, बिलीव मी लाहौर स्मार्ट में डिमांड की रेशियो इस हद तक ज्यादा है कि वो इन्वेस्टमेंट जो है इन एनी केस, यानी सोसाइटी ने एक अच्छा फार्मूला रखा हुआ है कि वो ओवर सेलिंग नहीं करते। कोई कितना भी खास सेल्स पार्टनर है, कोई कितना भी पुराना सेल्स पार्टनर, सोसाइटी ने उसको 1% भी फेवर नहीं देना। यानी कि हम सोसाइटी से फेवर ले सकते हैं, इस्लामाबाद में कह देंगे सर जी इसकी इंस्टॉलमेंट लेट है तो माफ़ कर देंगे, सरचार्जेस ऑफ कर देंगे, इस तरह की चीज़ें वो फेवर्स हो जाते हैं। लेकिन सोसाइटी किसी मेंबर को अगर लगता हो कि यहाँ पे लाहौर स्मार्ट सिटी की साइट में जो मैनेजमेंट है वो हमें, हम सोसाइटी से जाके 1000 plots दे दें हमें, और हमें दे दें, ऐसा हो जाए, एज चांद सूरज मगरिब से निकलना स्टार्ट नहीं हुआ, मशरिक से निकलता है तो अभी तक ऐसा नहीं होता। मतलब सोसाइटी ने ओवर सेलिंग पर नहीं की, जमीन सारी एक्वायर की हुई है, तकरीबन सिस्टम जो प्रोक्योर्ड लैंड है 31,000 कनाल और बाकी प्रोक्योरमेंट हो रही है, और उस लैंड का तकरीबन आई थिंक मैक्सिमम जो सेल किया होगा तकरीबन 60-70% सेल किया होगा, इससे ज़्यादा सेल नहीं कर सकते अभी, क्योंकि बाकी जो एरिया मेन कटिंग्स हैं 2 canal, 4 canal, 8 canal जो फार्म हाउसेज कटिंग है वो भी आनी है, और बाकी 3.5 mala कटिंग्स भी आनी है, बहुत सारी चीज़ें लॉन्च होनी है। लेकिन सोसाइटी ने सिर्फ एक चीज़ अच्छी रखी कि डेवलपमेंट की पेस को बहुत तेज़ रखा, लीगल स्टेट्स कंप्लीट किया, NOC है, 7-8 महीने के अंदर डेवलपमेंट आपके सामने है, और प्रॉफिट जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की वो 100% या 200% रिटर्न ले रहे हैं। इन एनी केस कोई भी मेंबर जिसने आज तक लाहौर स्मार्ट सिटी में एक पैसा भी इन्वेस्ट किया वो लॉस में हो तो डेफिनेटली मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, मैं रिपीट भी करता हूँ 03-45-99-9881। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं कि अगर आप किसी एक मेंबर को लगता हो कि उसके पैसे जो हैं वो लॉस में हैं, उसको प्रिंसिपल अमाउंट पर रिटर्न नहीं मिल रहा, लॉस वाली तो बात वैसे ही कंसिडर नहीं होती ना, प्रिंसिपल अमाउंट पे उसको रिटर्न नहीं मिला, तो उसे वो फाइल मैं बायबैक करूंगा जस्ट ऑन द रिकॉर्ड कि उनसे जिस भी अमाउंट जितनी पेड है मैं उनसे बायबैक करूंगा, और इटसेल्फ वो सोसाइटी की तरफ से मैं इटसेल्फ उसकी बायबैक की ऑफर देता हूँ। सोसाइटी में यहाँ पे जितने मेंबर्स ने आज तक 1 rupee भी इन्वेस्ट किया वो हमेशा यहाँ पे बेनिफिट में रहे हैं। तो ये ओवरऑल लाहौर स्मार्ट सिटी का जो बेनिफिट में आने की वजह है वो ये ऑन ग्राउंड आपको डेवलपमेंट का नजर आना है। आप जिस स्ट्रीट पे देखते हैं, जिस तरफ भी देखते हैं, आपको डेवलपमेंट जो है वो अपने मैक्सिमम स्विंग पे नजर आती है। सो व्यूअर्स, दिस वाज इट फ्रॉम टुडे। अगर आपको लाहौर स्मार्ट सिटी या कैपिटल स्मार्ट सिटी बुकिंग के बारे में कुछ मालूम चाहिए तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें, www.makansolutions.com। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए, खुदा हाफिज़।